हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवांशु और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वंडर ऑफ साइंस के ऐसे के बारे में कि इस ऐसे को कैसे लिखा जाता है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है। बिकॉज ये जो ऐसे होता है वो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, इवन क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज ये एवरी ईयर पूछा जाता है। अगर मैं खासकर MP बोर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे क्लास 9 से 12 तक हर साल ये ऐसे लिखने को आता है 200-250 वर्ड में। शायद 10th में 200 वर्ड का आता है और 12th में 250 वर्ड में आता है। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि इसे 400, 500, 600, 800 वर्ड में लिख रहे हैं, सो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको बाकी विषय की, बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। और इसमें इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे कि अनसीन पैसेज में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको सिर्फ उतना ही याद करना है जितना आपके एग्जाम में आता है, जितना आपको लिखना होता है। मीन्स अगर आपको 250 वर्ड में लिखने को आ रहा है तो एटलीस्ट आपको 250 वर्ड में लिखना है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है। आप 250 वर्ड से 300 वर्ड के बीच में लिख सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको वंडर ऑफ साइंस का प्रेजेंटेशन कैसे करना है। सो, किसी भी ऐसे को लिखते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो इसका क्या होता है, टाइटल होता है। किसी भी ऐसे को आप लिख रहे हैं तो उसका टाइटल को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। सो, टाइटल आपका कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, बोल्ड लिखा होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने इस चीज़ को पूरी तरह से बोल्ड कर रखा है, वंडर ऑफ साइंस को। मतलब आप अपना ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, डार्क पेन का आपको इसमें यूज करना है। आपके एग्जाम में वंडर ऑफ साइंस के अलावा किसी और नाम से भी आ सकता है, जैसे कि साइंस ब्लेसिंग एंड कर्स, साइंस इन आर डेली लाइफ, और जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बून और कर्स। बून मतलब होता है वरदान और कर्स मतलब होता है अभिशाप। इस तरह से दूसरे नाम से भी आ सकता है, बट आपको लिखना सेम यही ऐसे है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हो तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट थिंक होती है, मतलब कि उसका फ्रेमवर्क आपको देना पड़ता है, इसके लिए आप उसकी आउटलाइन लिखते हो। हिंदी में आप इसे रूपरेखा कहते हो। तो इस चीज़ को लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज़ हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन, मतलब कि प्रस्तावना, उसके बारे में हमको बताना है। नंबर टू होता है, जैसे हम साइंस का निबंध लिख रहे हैं, साइंस का ऐसे लिख रहे हैं, तो साइंस में हम बताएंगे कि साइंटिफिक इन्वेंशन कौन कौन से हैं, वैज्ञानिक आविष्कार कौन कौन से हैं, ये हम बताएंगे, तो हमारा सेकंड पॉइंट है। तीसरा क्या है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, मतलब कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन और संचार के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में बताना, थोड़ी सी डिटेल लिखनी है उसकी। देन हमारा आता है मेडिसिन एंड सर्जरी। सो ये आपका चौथा पॉइंट है। कंप्यूटर्स, जिसके बारे में आप जानते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर हम टेक्नोलॉजी, साइंस, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज तो आपने लिख दिए कि ये हमें इससे एडवांटेज होता है, बट आपको डिसएडवांटेजेस लिखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर 50 पॉइंट लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल साइंस के, 500 पेज भर देते हैं, बट आपने अगर डिसएडवांटेजेस नहीं लिखा है तो आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको साइंस के ऐसे में, खासकर साइंस के ऐसे में, आपको डिसएडवांटेजेस जरूर लिखने हैं। आप चाहो तो डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस करके भी लिख सकते हैं उस पॉइंट को। और लास्ट जो होता है कंपलसरी, कंक्लूजन। और अगर आप अपने ऐसे को बेटर बनाना चाहते हो और भी अच्छा बनाना चाहते हो, सो आपको क्या करना है, आपको करना ये होगा कि आपको एक स्लोगन डालना होगा बीच बीच में, एक नहीं, जितना आप चाहते हो उतना आप डाल सकते हो स्लोगन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्लोगन डालना, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखे हैं, अब मैं देखता हूँ। राइट, तो स्लोगन मैंने डाला है, साइंस इज द की विच अनलॉक्स फॉर मैनकाइंड द स्टार हाउस ऑफ नेचर। इसे वी सैमुअल ने लिखा है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारे मल्टीपल स्लोगन्स मिल जाएंगे, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली,
जो आपको आसानी से याद हो सकता है। आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, मीन्स साइंस इज द की विच अनलॉक्स फॉर मैनकाइंड। साइंस वो चाबी है जो मैनकाइंड मतलब मानवता के लिए अनलॉक करती है। किसको करती है? नेचर की स्टार हाउस को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सो हम इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या आता है, मतलब आपको साइंस के बारे में बताना है कि साइंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बताते हैं इट इज़ दी एज ऑफ साइंस। इट इज़ दी एज ऑफ साइंस, ये जो युग है वो विज्ञान का युग है। किसका युग है? विज्ञान का युग है। एक मिनट में पेंसिल लेता हूँ यहाँ पे। सो इट इज़ दी एज ऑफ साइंस, ये जो किसका युग है? विज्ञान का युग है। देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, यहाँ पे साइंस के बहुत सारे वंडर्स हैं, आश्चर्य हैं। इस पॉइंट को हम लिख रहे हैं देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस। देन इट हैज मेड आर लाइफ ईजियर एंड कम्फर्टेबल, साइंस ने हमारी लाइफ को ईजियर मतलब आसान और कम्फर्टेबल आरामदायक बनाया है। साइंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ, मतलब जो साइंस है उसने हमारे डेली लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके बाद क्या है? इट हैज मेड ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन ऑफ मैन ट्रू, साइंस जो है मैन के ड्रीम्स मतलब सपने, इमेजिनेशंस मतलब कल्पनाएं को ट्रू मतलब सच कर दिखाया है। अगर हम बात करें बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ सिंपल इवेंट्स मैन हैज इन्वेंटेड ग्रेट थिंग, अगर हम ऑब्जर्व करें सिंपल इवेंट्स को तो मैन मतलब आदमी ने बहुत सारी ग्रेट थिंग्स को बनाया है, बहुत सारी अच्छी अच्छी वस्तुओं को बनाया है, लाइक एसी, कंप्यूटर, फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट क्या है, साइंटिफिक इन्वेंशन। सो साइंटिफिक इन्वेंशंस में क्या आता है? देयर आर मेनी साइंटिफिक इन्वेंशन दैट हैव मेड आर लाइफ वेरी कम्फर्टेबल, बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल आरामदायक बना दिया है। जिसमें जो ये इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस, बिजली जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है बिजली, जो साइंस का सबसे ग्रेट इन्वेंशन है। इसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते मॉडर्न लाइफ की। ओके, सो इट सर्व्स अस इन मैनी वेज, इसने हमें बहुत सारे रास्ते दिए हैं। इट लाइट्स आर हाउसेस, इसने हमारे घर को उजाले से भर दिया है। इट इंटरटेन्स, ये हमें इंटरटेन करता है, ये हमारा मनोरंजन करता है। कैसे? टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर, बहुत सारे सोर्सेस हैं। और क्या है? कूल्स एंड वार्म्स, मतलब ये हमारे घर को, ये पॉइंट क्या है? इट कूल्स एंड वार्म्स अवर हाउसेस, ये हमारे घर को ठंडा गर्म करता है। जैसे ठंड में आप हीटर का यूज करते हैं और गर्मियों में आप क्या करते हैं? एसी ऑन कर लेते हैं। इस तरह से हमारे घर को ठंडा और गर्म करता है। हम आगे देखते हैं मोटर कार्स, स्कूटर्स, रेलवे इंजन्स, एरोप्लेन्स, अस विद टीवी एंड रेडियो, ये सब क्या हैं? ये सब साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं। अब हम देखते हैं इट फिल्स आर वाटर, ये हमारे घर में पानी भरता है। इट रन्स ट्रेन्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज, ये हमारे ट्रेन्स को, मिल्स को एंड फैक्ट्रीज को चलाता है। कंप्यूटर एटसेट्रा इसमें आते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? एटसेट्रा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं? एटसेट्रा, बट इसका ये प्रोनंसिएशन गलत है, इसको एटसेट्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटसेट्रा बोला जाता है। आर ऑल इन्वेंशंस ऑफ साइंस मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दीज साइंटिफिक इन्वेंशंस, जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस की हमने बात किया है, इसके बिना जो हमारी आधुनिक लाइफ है, मॉडर्न लाइफ है, वो इम्पॉसिबल है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते मॉडर्न लाइफ की। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट जो कि है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। सो जो परिवहन और संचार का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? बसेस, कार्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स हैव मेड आर ट्रेवल ईजियर। इसमें आप और भी ट्रांसपोर्ट के जो
हमारे प्रोवाइडर्स होते हैं उसको लिख सकते हैं, जैसे शिप्स होता है जहाज, तो क्या है, बसेस कार्स ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स हैव मेड आवर ट्रेवल इजियर। जो बसें होती हैं, कार्स होती हैं, ट्रेन्स होती हैं, उसने हमारे ट्रेवल को बहुत ही आसान बना दिया है, कंफर्टेबल बना दिया है। कैसा बना दिया, आसान बना दिया, इजियर, कंफर्टेबल बना दिया है, एंड क्विकर मतलब बहुत ही जल्दी वाला बना दिया है। अब अगला पॉइंट क्या है, सो अ मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स। जो व्यक्ति है वो किसी भी दुनिया किसी भी कोने में एक साथ मतलब बहुत ही जल्दी जा सकता है, विद इन आवर मतलब एक घंटे से कम में दुनिया के किसी भी जगह जा सकता है वो। ही हैज रीच्ड अदर प्लैनेट्स मतलब वह दूसरे ग्रह भी जा सकता है। आजकल लोग मार्स पे जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। अब देखते हैं, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन कॉल्स थ्रू एसटीडी एंड आईएसडी वी कैन टॉक टू अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग वेरी फार फ्रॉम अस। मोबाइल फोन इज अ ग्रेट सर्विस टू मॉडर्न मैन। सो इसके बारे में आप जानते हैं कि मोबाइल फोन जो होता है बहुत ही ग्रेट सर्विस है। अब तो जियो आ गया है, आप एक बार में कॉल करते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, चाहे आप रहते हो कन्याकुमारी में, आपका फ्रेंड रहता हो कश्मीर में, फिर भी आप एक सेकंड में उससे बात कर सकते हैं, वो भी फ्री में जियो के माध्यम से, या दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को आप यूज करते हो उसके द्वारा कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, मेडिसिन एंड सर्जरी। जो मेडिसिन होती हैं एंड सर्जरी होती हैं उसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट है। साइंस हैज कर्ड, कर्ड मतलब क्या होता है, ठीक करना, मैन फ्रॉम वेरी ड्रेडफुल डिसीजेस, डिसीजन मतलब क्या होता है, बीमारी, कैसी बीमारी, लाइक टीबी एंड कैंसर हैव बीन कंट्रोल्ड। ये जो भयानक भयानक बीमारियाँ होती थी वो अब कंट्रोल हो गई हैं, किसकी, विद द हेल्प ऑफ साइंस, साइंस की हेल्प से। इट हैज मेड मैन हेल्दियर, इसने मनुष्य को, आदमी को हेल्दियर बना दिया है। इन द फील्ड ऑफ सर्जरी टू, ये जो टू होता है इसका मतलब होता है बहुत अधिक। इन द फील्ड ऑफ सर्जरी टू साइंस हैज डन वंडर्स, साइंस ने बहुत सारे आश्चर्य किए हैं, किसमें, सर्जरी की फील्ड में, जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी एंड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हैव बिकम पॉसिबल। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जो व्यक्ति मर जाता है बट उसका हार्ट तुरंत जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो मरता नहीं है, तो उसे हम किसी दूसरे व्यक्ति के इसमें लगा सकते हैं जिसका हार्ट खराब हो गया है। बट अगर हार्ट खराब हो जाएगा तो व्यक्ति जिंदा तो नहीं हो पाएगा, बट अगर उसके हार्ट में खराबी आ गई है लेकिन वो वर्क कर रहा है, इस कंडीशन में हम इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। और देन हमारा फेवरेट आता है, जिसकी हेल्प से हम यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब की वीडियोज़ बनाते हैं, अभी भी जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ वो कंप्यूटर पर ही बना रहा हूँ। सो जो कंप्यूटर है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो हम कंप्यूटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बहुत ही पुरानी इन्फॉर्मेशन है, बट आपकी बुक में दिया है तो आपको इसी को याद कर सकते हो, चाहो तो अगर आपको आता है तो आप मन से भी लिख सकते हो। सो हम बात कर रहे हैं इसकी, कंप्यूटर्स की। साइंटिस्ट मीन्स होता है वैज्ञानिक, साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर्स, वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर्स को बनाया है, ये तो ऑब्वियस है। सो दीज आर वंडरफुल इन्वेंशन, और ये वंडरफुल इन्वेंशन है। द कंप्यूटर्स कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड वर्क क्विकली, जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या करते हैं, द कंप्यूटर्स कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन मतलब कठिन से कठिन जो गुणा भाग होता है, कैलकुलेशन होती है, उसे करते हैं, वो भी वेरी क्विकली, बहुत ही कम टाइम में करते हैं इन चीज़ों को। दे हैव सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ मैन, इन्होंने मनुष्यों की बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो आपको इसका डिसएडवांटेजेस लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं साइंस हैज गिवन अस एटम बॉम्ब्स, साइंस ने हमें एटम बॉम्ब्स दिए हैं, परमाणु बम्स दिए हैं, जो क्या कर सकते हैं, दे कैन डिस्ट्रॉय बिग सिटीज एंड किल अ लॉट ऑफ पर्सन्स इन अ फ्यू सेकेंड्स।
ये कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंड्स में बड़ी बड़ी सिटी हैं उसको तबाह कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों को मार सकते हैं। जैसे कि अमेरिका ने जापान की एक सिटी पर हमला किया था, वहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ ही सेकंड्स में मारे गए थे। सो, ये नागासाकी की बात है, आपने सुना ही होगा। सो, हम आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में बेसिकली क्या आता है, आपको साइंस के बारे में बताना है। जैसे कि साइंस इज अ ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन। साइंस क्या है, एक ग्रेट हेल्पर है किसका, मॉडर्न मैन का। आधुनिक व्यक्ति होता है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है कौन, साइंस। कैसे करता है, इफ प्रॉपरली यूज, अगर इसका सही यूज किया जाए, इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर एंड हैप्पियर। ठीक है, मैन इज कॉल्ड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस। जैसे अगर हम बात करते हैं साइंस की कोई इन्वेंशन की, उससे पहले हम ये स्लोगन मैंने डाला है, उसको आप पढ़ लो, इसको आप जरूर डालना। सो इसका है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। जो साइंस है ना, एक गुड सर्वेंट है, साइंस जो एक अच्छा नौकर है बट एक बेकार गुरु है, बहुत ही बेकार टीचर है। सो आपको साइंस को नौकर बनाना है, ना कि मास्टर बनाना है, ना कि टीचर बनाना है। सो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ साइंस के एक इन्वेंशन है मोबाइल फ़ोन, अगर आप इसे सर्वेंट बनाते हो, नौकर बनाते हो, तो आप इस पे यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो, अपने क्लास टेंथ के लेक्चर देख सकते हो। बट अगर आप इसे गुरु बनाते हो और इसमें पबजी खेलते हो, जैसा कि आपका फ़ोन चाह रहा है आपसे खिलवाना, तो आप दिन भर पबजी खेल रहे हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हो, दिन भर फनी वीडियोज़ देख रहे हो, तो ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो, ये जो मैंने ऐसे आपको बताया है वंडर ऑफ साइंस का, सो, इसकी जो PDF फाइल डालने वाला हूँ, सो, इसकी जो PDF फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसकी जो ब्लॉग पोस्ट होती है वो हमारी वेबसाइट studymaster.in में डाल दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, और मैं इसकी PDF फाइल भी डाल दूंगा वहीं पे, सो दैट आप इसे डाउनलोड कर सकें और इसको रिमेम्बर कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और आपके जो लव वंस हैं उनके साथ। ओके, टेक केयर, गुड बाय।